ड्राई शॉर्ट लेंथ समझ गए? नहीं समझे? जो अभी इन्होंने देखो, एक तो ड्राई शॉर्ट लेंथ जो है ये सिंपल निकाल लेते हैं कि अगर डाई बनी हुई है तो इनके पास में, ये डाई लोड करेंगे उसमें में और डाई क्लोज करेंगे और प्लंजर को आगे लेंगे, तो जितना प्लंजर अपनी आइडियल स्टेज से डिफ्यूजर तक आएगा वो डिफ्यूजर लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अभी तो डाई बनी नहीं है तो कैसे निकालोगे? अभी डाई बनी ही नहीं है, अभी तो हम तो बात वही कर रहे हैं कि डाई डिज़ाइन की, अभी कैसे निकालोगे? हमने जैसे निकाली, अभी जैसे तुमने मेरे को भेजा था अपना प्लेटन का भेजा ड्राइंग, 3D मॉडल और मशीन ट्रनेज मेरे को बताया तुमने, उस केस में कैसे निकालते हैं हम लोग कि ये आपका मूविंग का प्लेटन है, ये आपका फिक्स का प्लेटन है, ठीक है ना। इसके आगे डाई लगेगी फिक्स वाली, इसके आगे मूविंग की डाई लगेगी, इसके आगे में डिफ्यूजर लगेगा, है ना, अंदर में यहाँ पे शॉर्ट स्लीव रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्लंजर रहेगा, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, जब ये डाई क्लोज हो जाए यानी कि इस फॉर्म में आ जाए, ये यहाँ पे डिफ्यूजर रहेगा कुछ, है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमें निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने कैविटी की लेंथ मालूम हो गई तुम्हारे को, कैविटी कितनी डीप जाने वाली है, कैविटी कितनी डीप जाने वाली है, कैविटी डीप गई तुम्हारी मान लो 10 mm, 10 mm डीप बनेगी कैविटी। उसके बाद में तुम्हें ये मालूम है कि इसके 25 mm के बाद में मेरे को कूलिंग लाइन लेनी है, एक स्टैंडर्ड जो बनाया हुआ है हमने, तो प्लस 25 हो गए, फिर वो कूलिंग लाइन के पीछे फिर 25 mm छोड़ना है, ठीक है, और 25 ऐड कर दो, ठीक है जी। अब ये तो मिल गई तुम्हारे को मूविंग की, मूविंग की मिल गई, ऐसे ही फिक्स का निकालोगे, फिक्स में भी तो यही रहेगा, तो टोटल तुम्हारे पास दोबारा से ये 10 mm क्या जोड़ा था मैंने, कैविटी डीप, ऐसे ही उसमें भी डीप होगी, हो सकता है 10 की जगह 5 ही हो, ज्यादा ना हो उसमें, तो 5 ले लो, बाकी बाकी तो सेम रहेगा, क्योंकि उसके बाद भी कूलिंग देनी है 25 में, फिर 25 छोड़नी है, फिर ब्लॉक की लोगे तुम, फिक्स वाले के ब्लॉक की, ठीक है, ब्लॉक की थिकनेस मान लो 50 mm ले ली तुमने, ठीक है, यानी कि यहां तक का मिल गया अब तुम्हें कहानी, यहां तक की कहानी मिल गई तुम्हें, कैविटी कैविटी की मिल गई। अब तुम्हें प्लेटन को तो मालूम ही है, तुम्हारे यहाँ मशीन रखी है, या फिर मेरे को जो तुमने ड्राइंग भेजा है मैं उससे थिकनेस निकाल दूंगा प्लेटन की, ठीक है जी, प्लेटन की थिकनेस निकल गई। फिर मैंने तुम्हें याद हो कि तुमसे मैंने शॉर्ट स्लीव की एक बार लेंथ वेंथ सब लंबाई नापी थी मैंने, ठीक है ना। अब मेरे को यहां तक की कहानी पता चल गई है कि आपका शॉर्ट स्लीव कितना लंबा है जो लगाने वाले हो उसके अंदर में, और मेरे को ये सारी चीजें मालूम है, ये प्लस शॉर्ट स्लीव की लेंथ जो है आपकी लेके मैं इसके अंदर में माइनस डिफ्यूजर की लेंथ कर दूंगा, तो वो मेरी ड्राई शॉर्ट लेंथ आ जाएगी। सर उसमें जो फोर सेट का जो मूविंग सेट का आपने लेंथ निकाला, वो जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है, ड्राई शॉर्ट लेंथ के लिए जरूरत नहीं। मैंने एक जनरली बताया कि हम मूविंग का पूरा ब्लॉक देख लेते हैं कि हमारा कितना थिकनेस रहने वाली है, फिक्स साइड का यूज पड़ेगा, डिफ्यूजर का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ्यूजर तो अंदर जाएगा ना, 25 mm या 30 mm जो भी हमने रखा है वो हमें माइनस करना पड़ा रहेगा, तो वो माइनस करने के बाद में हमारी जो है ये निकल के आ जाएगी ड्राई शॉर्ट लेंथ। देखो जर्नली क्या है कि ये तो शॉर्ट स्लीव की लेंथ इनके पास थी, शॉर्ट स्लीव की लेंथ भी नहीं है ना तो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे प्लेटन की मालूम है, हमें प्लेटन की मालूम है, ठीक है ना। दूसरा और वर्स्ट केस में कि बिल्कुल ही नई मशीन आई है जी, शॉर्ट स्लीव भी नहीं है हमारे पास में, हालांकि मशीन मैन्युफैक्चर शॉर्ट स्लीव देता है साथ में, ठीक है ना, फिर भी हम फिर भी निकाल सकते हैं, अगर शॉर्ट स्लीव की भी नहीं है ना हमारे पास ड्रॉइंग, तब भी निकाल सकते हैं। कैसे? कि आपको ये मालूम है कि आपका जो प्लंजर है वो कितना आगे आता है, ये तो मालूम है हमें, कितना आता है, ठीक है। अभी मान लो प्लंजर यहाँ खड़ा है स्टेशनरी, मैंने इनसे पूछा कि भाई हमारा प्लंजर कितना आगे आ जाता है, इन्होंने बता दिया जी कि हमारा मैक्सिमम 500 mm आ जाता है, यानी कि ये प्लंजर यहाँ से यहाँ तक हमारा प्लेटन में की लेंथ लेके और प्लेटन से आगे कितना आ सकता है वो मेरे को मालूम पड़ जाएगा उस केस के अंदर में, जब हमारे पास शॉर्ट स्लीव की ड्राइंग भी नहीं है तब भी, तो मेरे को मालूम है कि यहाँ तक आ जाता है मेरा ये, ठीक है, और मेरे को ये मालूम है कि मेरी इसकी थिकनेस मैं निकाल चुका हूँ इतनी है,
ठीक है, तो उस हिसाब से मैं अपना डिफ्यूजर की लेंथ जो है मेंटेन कर सकता हूँ आगे पीछे। अभी मान लो ये प्लंजर ये बोल रहा है, इन्होंने नाप के बताया कि जी ये तो यहाँ तक आ जाता है आपका, डिफ्यूजर से भी आगे निकल जाता है, तो मैं डिफ्यूजर उतना उसके अंदर में दूंगा कि ये आगे ना आए, ठीक है ना। यानी कि मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी ड्राई शॉट की लेंथ जो है वो इतनी है। तो ये 3-4 तरीके हैं ड्राई शॉट लेंथ निकालने के, अगर कुछ भी नहीं मालूम है तो भी निकाल सकते हैं हम लोग। और ज़्यादातर मशीन वाले को सबको मालूम होता है, जैसे तुम्हें शॉर्ट स्लीव बने हुए हैं ज़्यादा, तो उसकी लेंथ नाप लो सीधे सीधे, ठीक है। ये तो यहाँ रहा, और आगे क्या है इसमें?